नमस्कार बच्चों, मैं हूँ सुजाता। अजय सर पाइनियर में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी, ठीक है। और आज हम जानेंगे हिंदी की हमारी जो पांचवी कविता है, ठीक है। एक पोयम है, कविता है, उसके बारे में। तो पांचवी कविता का नाम है बंदर का धंधा। बंदर का धंधा, और इसके जो कवि है, पोएट है, वो है नरेंद्र गोयल, ठीक है। नरेंद्र गोयल, देखिए इनका जो जन्म है वो 21 अक्टूबर 1963 यानी कि 1963, पिलखुआ गाजियाबाद, गाजियाबाद यानी उत्तर प्रदेश, यूपी में इनका जन्म हुआ है। तो शुरू करें हमारी पोयम। तो देखो, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। अब आला का मतलब क्या होता है? आला का मतलब होता है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको शब्दार्थ मीनिंग लिख के दिए हैं, आला मतलब डॉक्टर का स्टेथोस्कोप, वही स्टेथोस्कोप जो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो हमेशा अपने गले में रखते हैं, है ना। और हर पेशेंट जो भी उनके पास आता है, सबसे पहले उसी स्टेथोस्कोप से वो उसे चेक करते हैं ना, उनकी जो हार्ट बीट्स होती है, वो हार्ट बीट्स की जो स्पीड वो चेक किया करते हैं। तो उस डॉक्टर के जो स्टेथोस्कोप को हिंदी में कहते हैं आला, ठीक है। तो देखो, एक दिन लगा बंदर, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, यानी वो जो जंगल में रहने वाला बंदर था, एक दिन उसके हाथ वो टूटा फूटा आला लग गया। अब आगे क्या हो गया वो हम जानते हैं। जट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज का मेज ला डाला। अब कुर्सी मेज, मेज का मतलब होता है टेबल, ठीक है। टेबल को हिंदी में मेज कहते हैं। अब जैसे ही उसके हाथ में वो टूटा फूटा आला लगा, उसने झट से क्या किया, उसी पेड़ के नीचे अब जहां पे वो रहता था, कुर्सी और मेज लाकर ला डाला। कुर्सी मेज किस लिए ला डाला? ताकि वो वहां पे क्या करना चाहता था, अपना खुद का एक क्लिनिक, है ना, जैसे दवा खाना जिसे हम कहते हैं, वो खोलने वाला था। देखो उसका उसकी ये, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। देखो, और उस वक्त कौन आया वहां पर? भालू आया, उसी जंगल में से एक भालू आया, और भालू ने बंदर को क्या कहा कि खांसी और जुकाम। तब देखो, यानी उसके पास पेशेंट आना भी शुरू हो गए, मरीज जो है वो मरीजों का आना शुरू हो गया, है ना। किस तरह से उसने अपना जो क्लिनिक है, दवाखाना जिसे हम कहते हैं, वो खोला, आले आला उसके हाथ में लगने पर। और अब उसके पास पहला पेशेंट कौन आया? सबसे पहले आया भालू, और भालू ने उसे कौन सी बीमारी बताई? तो खांसी और जुकाम। खांसी यानी कफ, जुकाम यानी सर्दी। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। थाम यानी पकड़ना, ठीक है। तो देखो, उस पर बंदर ने दवाई भी उसे दे दी। क्या दवाई थी? तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पीपल का पेड़ हमें पता है, पीपल का वृक्ष जो होता है उसकी जड़, जड़ यानी रूट, है ना, जो रूट होते हैं उस जड़ को थाम, थाम यानी पकड़ना, ओके। उसके बाद क्या हुआ देखो, पानी में तुम इन्हें उबालो। अब उसने जो तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ दी थी, उसे क्या कहा बंदर ने कि पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना, और वो जो सिरप तुम्हारा तैयार होगा पानी में उबालने के बाद, उसे सुबह और शाम लेना है, ठीक है। खांसी जब छूमंतर होए, छूमंतर यानी गायब होना, छूमंतर का मतलब होता है गायब हो जाना, छूमंतर हो जाए फिर तभी तुम देना। देखो, उसके बाद उसने क्या कहा है कि जब तुम्हारी खांसी और सर्दी छूमंतर हो जाए, यानी पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसके बाद ही तुम मुझे फीस देना, यानी उसकी जो फीस होती है ना, डॉक्टर को हम ट्रीटमेंट कराने के बाद उन्हें उनकी फीस दी जाती है। तो बंदर ने क्या कहा, पहले तुम ये दवाई लो और जब पूरी तरह से ठीक होगी तभी तुम फीस देना, यानी इतना भरोसा तो मुझ पर रखना कि तुम ठीक बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाओगे, है ना। अच्छा देखो, अब अगली भालू के बाद कौन आया उसके पास? बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। बाप रे, 104 यानी 100 के ऊपर, है ना, जो उसका टेम्परेचर है वो 100 के ऊपर गया, 104। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी से उतार। अब उसने क्या कहा, मुझे 104 बुखार हो गया है, अब मैं शिकार पर कैसे जाऊंगी, है ना,
तो तू क्या कर, जल्दी से इसे उतार, यानी जो बुखार है उसे जल्दी से उतार। इंटरेस्टिंग है ना। तो अब बिल्ली के लिए बंदर जो है, यानी जो डॉक्टर बंदर है ना, वो कौन सी दवा देता है वो हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे क्या हुआ, अब हम वो जानते हैं। ठीक है, बंदर बोला, रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। देखो, जब बिल्ली आई थी है ना, और बिल्ली ने क्या बताया कि उसे कितना बुखार है, 104, 104 बुखार है। और उसने कहा कि मैं अब शिकार पर कैसे जाऊंगी, तुम जल्दी से क्या करो, इसे उतारो, यानी वो जो बुखार है वो उतारो। अब उस पर बंदर ने कहा, बंदर बोला, रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। अब गिलोय का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, गिलोय यानी एक प्रकार की जड़ी, एक ऐसी वनस्पति है, जड़ी है, जिसे गिलोय कहते हैं। ठीक है, औषधि वनस्पति है, जो वनों में पाई जाती है, वन यानी जंगल। ठीक है, जड़ी यानी जो रूट्स होते हैं, ट्री के, पेड़ों के जो रूट होते हैं उसे जड़ कहते हैं, जड़ी। ठीक है, तो उसे गिलोय कहते हैं। तो अगर आपको पता होगा तो ये गिलोय का रस भी हमें मेडिकल में मिलता है। ठीक है, तो बंदर बोला, रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। देखो, यानी बंदर ने कहा कि जब तुम्हें गिलोय का रस कितनी बार लेना है, दिन में 3 बार, और उसके बाद तुम क्या हो जाओगी, अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाओगी, यानी बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो शिकार पर जाना तो क्या, तुम तो कल ही जब स्वस्थ होने के बाद क्या करने लगोगी, डांस करने लगोगी ईना मीना डीना। यानी देखो, बंदर ने कहा कि शिकार पर जाना तो छोड़ो, तुम इतनी स्वस्थ और फिट हो जाओगी, तुम कल ही डांस करने लगोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली, देखो जब उसने सबसे पहले जो है भालू को चेक किया या उसे दवा दी है ना, उसके बाद भालू के बाद कौन आया, बंदर, बिल्ली आई। ठीक है, और अब नेक्स्ट कौन था उसका पेशेंट, डॉक्टर बंदर का पेशेंट कौन था, तो लोमड़ी। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, यानी मुझे ऐसी दवा दो कि जिससे मैं बहुत सुंदर दिखने लगूंगी, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर। देखो वो क्या चाहती थी कि मैं ही सबसे सुंदर दिखूं, इस तरह से तुम मुझे चिकना सुंदर बनाओ, ऐसी बूटी लाओ। देखो, यानी तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बूटी का मतलब भी वही होता है, वनौषधि, वनौषधि औषधि, और वन का मतलब होता है जंगल, यानी जंगल में मिलने वाली जो वनस्पति होती है, वनस्पति का मतलब होता है प्लांट। ठीक है, जिससे दवा बनाई जाती है, और दवा को औषध भी कहते हैं, औषधि। ठीक है, वनौषधि यानी जंगल में पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है उससे दवा बनाई जाती है। देखो बच्चों, अब तो हमें जो हम जो टैबलेट सिरप वगैरह जो लेते हैं वो भी वनस्पति से बनाई जाती है, प्लांट के थ्रू ही बनाई जाती है। अलग, हर एक प्लांट का एक अलग अलग, जिसे हम गुणधर्म या विशेष उसके अंदर एक छिपा हुआ रहता है, क्वालिटी रहती है, जिसपे रिसर्च करके जो साइंटिस्ट होते हैं वो दवा बनाते हैं। यानी हर एक बीमारी के ऊपर फलों का, फूलों के, सारे जो पेड़ जो होता है वो पूरी तरह से हमारे लिए यूजफुल होता है। फिर चाहे उसके रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो, पत्ते हो, फल हो, फूल हो, उससे भी तेल बनाकर काफी सारी जो चीजें वो बनाई जाती है। यानी हर बात के लिए पेड़ जो है पूरी तरह से हमारे लिए उपयुक्त होता है, यूजफुल होता है। ठीक है, तो तब और बहुत सी ऐसी वनस्पति होती है जिससे दवाइयां बनाई जाती है, जो जंगल में पाई जाती है। तो देखो, अब तो हम काफी एडवांस हो चुका है ना, हमें हर एक बड़े बड़े जो बीमारियां उसका इलाज हम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले, जब पहले अगर आप देखोगे तो डॉक्टर्स भी नहीं हुआ करते थे, वैद्य होते थे गांव में, ऐसे एक एकाध वैद्य होता था, वो इन वनस्पतियों से यानी जड़ी बूटियों से दवा बनाता था, और फिर उस दवाइयां ही जो गांव विलेजेस होते हैं वहां के लोग लेकर आराम महसूस करते थे, है ना। यानी आज भी अगर हम हमारे जो हमारे घर में जो बुजुर्ग दादी नानी है ना, दादाजी नाना जी,
उन्हें भी कई बीमारियों के जो दवा होती है उन्हें पता होता है, जिसे हम होम रेमेडीज कहते हैं ना, जो घर पे ही हमें बताते हैं कि इसका इलाज तुम ये खाकर करो, देखो जरूर आराम मिलेगा। और वही होता है नॉर्मली, अगर हमें सर्दी जुकाम खांसी ऐसी कुछ बातें होती है, तो इससे भी हम होम रेमेडीज यानी घर पे बनाकर भी दवाइयां बनाकर भी हम आराम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो जड़ी बूटी होती है ये वनों में यानी जंगलों में पाई जाती है, वनस्पति होती है, एक टाइप का प्लांट ही होता है, जिससे काफी सारे जो गुणधर्म होते हैं वो हमारे बॉडी पे इफेक्ट अफेक्ट करते हैं। ओके, अब इस पर लोमड़ी का क्या क्या चाहती थी लोमड़ी कि उसे सुंदर दिखना है ना, और बंदर को कहा कि तुम ऐसा कुछ मुझे ऐसी कुछ बूटी दो जिससे मैं सुंदर दिखूं। तब बंदर बोला, घी कुवार तुम दोनों समय लगाओ। घी कुवार, अब घी कुवार का मतलब एक प्रकार की बूटी, बूटी है वनस्पति है वो, आई थिंक घी कुवार एलोवेरा जिसे कहते हैं ना, एलोवेरा हम सबको पता है, कोरफड़ जिसे हम कहते हैं, उस पत्ते को अगर हम कट करेंगे तो उसके अंदर एक जेल होता है ना, एक लिक्विड जेल जो होता है, उससे भी लोग बंदर डॉक्टर बंदर ने क्या कहा कि तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, पीस मुझे दे जाओ। और वो जब तुम दोनों समय लगाती रहोगी और उससे क्या होगा, तुम्हारा चेहरा जो है वो चंदन सा कुंदन सा चमकने लगेगा। कुंदन का मतलब होता है सोना, है ना, गोल्ड हम जानते हैं कितना शाइन करता है, और वो नेचुरली यानी उसके अंदर वो क्वालिटी होती है, तो बिल्कुल उसी सोने की तरह कुंदन की तरह तुम्हारा चेहरा भी क्या होगा, खिल जाएगा, चमकने लगेगा, और उसके बाद तुम मुझे फीस देना। देखो ऐसे डॉक्टर हमें मिलेगा, और क्या आप भी सुंदर देखने के लिए इस डॉक्टर बंदर का जो दवाई है उसका इलाज, जो यानी जो दवा दी है वो घर पे ट्राई करना चाहोगे बच्चों? देखो होता है क्या, कुछ ट्राई करके देखो, क्योंकि ये जड़ी बूटी है और इससे हमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ओके, जो आयुर्वेदिक जिसे हर्बल जो होते हैं उससे हमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप देखो इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां वो दे रहा था, जंगलों से ही हमें मिलती है, जंगलों से ही पाई जाती है। चल निकला बंदर का धंधा, चल निकला यानी काफी मतलब बहुत ही अच्छे से वो जम गया, और चल निकला यानी काफी उसमें तेजी प्रोग्रेस हो रहा था, है ना, उन्नति हो रही थी उसके दवा खाने की या क्लिनिक की। अब वह मौज मनाता, मौज यानी क्या, प्रसन्नता, खुशियां, वो इतना खुश हो गया कि उसका धंधा क्या हो गया, निकल पड़ गया यानी कि तेजी से बढ़ रहा था। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता, देखो फिर उसने शुरू कर दिया जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लाना, और फिर जो उसके पास मरीज आते हैं, मरीज का मतलब पेशेंट, उन्हें ठीक करना और खुश करना, है ना। देखो काफी इंटरेस्टिंग पोयम है ये बच्चों, आपको पूरी जो पोयम है वो अच्छे हैंडराइटिंग में आपकी ट्यूशन बुक में लिखना है, नोटबुक में लिखना है, और उसके बाद उसके नीचे पोयम कंप्लीट होने पर आपको जो उसके मीनिंग्स है यानी शब्दार्थ, ये सारे शब्दार्थ जो है वो लिखने हैं, ठीक है, थीके? और लर्न भी करने हैं, क्योंकि ओरल में आपको ये पूछा जाएगा, पोयम भी पूछी जाएगी और उसके मीनिंग्स भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो रीड एंड राइट प्रॉपरली विथ क्लीन एंड नीट हैंड राइटिंग, आपको अच्छे हैंड राइटिंग में अच्छे अक्षरों में उसे लिखना है। ओके ठीक है, तो बच्चों मीनिंग्स एंड पोयम अच्छे से समझने के बाद अब हम उसके जो क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्नों के उत्तर है वो देखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की यानी फिलिंग द ब्लैंक, रिक्त यानी जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे क्या करना है, करेक्ट जो आंसर है वो लिखना है, स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला सेंटेंस है, हाथ लगा डैश के एक दिन टूटा फूटा आला। अब टूटा फूटा आला किसके हाथ लगा था, बंदर के, है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बंदर, जबकि आंसर है तो मैं यहाँ पे डैश कर दी। ओके सेकेंड, बंदर बोला डैश पत्ते पीपल की जड़ थाम, डैश पत्ते पीपल की जड़, कौन से पत्ते थे, तुलसी के पत्ते, है ना, तो तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। ओके
सर्दी जुकाम के लिए भालू को उसने वो दवा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, मैं डैश पर कैसे जाऊं जल्दी से उतार। उतारने के लिए किसने कहा था? बिल्ली ने। क्या? 104 बुखार था, है ना। तब वो जब बंदर डॉक्टर बंदर के पास आई तब उसने क्या कहा था? मैं डैश पर कैसे जाऊं यानी शिकार पर। तो आंसर होगा शिकार। श को पहली विलांटी, का र। जितनी भी राइटिंग हम करते हैं बच्चों, पोयम हो, मीनिंग्स हो, उसमें विलांटी और उकार दोनों पे ध्यान देना है। पहले विलांटी, दूसरी विलांटी, पहला उकार, दूसरा उकार, तो इन सब बातों पे ध्यान देना है। ठीक है, शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी से उतार। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह डैश मनाता। जब उसका धंधा अच्छे से चलने लगा तब वो क्या मनाता? मौज मनाता। मौज, म को एक काना, दो मात्रा, ज, मौज। जबकि ये आंसर है, हम इसे डैश करेंगे। ओके, नेक्स्ट लास्ट जो हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, पांचवा जो वाक्य है, चमकेगा कुंदन सा डैश, फीस मुझे दे जाओ। चमकेगा कुंदन सा, क्या चमकने के लिए बंदर ने दवा दी थी लोमड़ी को, है ना, और लोमड़ी सुंदर दिखना चाहती थी। तो चमकेगा कुंदन सा चेहरा, यानी वो दवा उसने चेहरे पर लगाने के लिए दी थी, चेहरा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पांच जो वाक्य है रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी फिलअप के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। रीड करके अच्छे से लिखना है। अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे का प्रश्न। ठीक है, तो चलो बच्चों, हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसे सॉल्व करते हैं या देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक वाक्य में उत्तर मतलब आंसर इन वन सेंटेंस। ओके, बंदर के हाथ क्या लगा, हमारा पहला प्रश्न, बंदर के हाथ क्या लगा। तो बंदर के हाथ टूटा फूटा आला लगा, टूटा फूटा आला लगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड जो है, भालू को बंदर ने क्या दवा दी। जब भालू उसके पास आया तो बंदर ने क्या दवा दी? भालू को बंदर ने तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ पानी में उबालकर सुबह शाम पीने के लिए दी, है ना। उसे सर्दी खांसी जुकाम और खांसी हो गई थी, तो उस पर बालू ने दवा दी तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ पानी में उबालकर सुबह शाम पीने के लिए दी। ठीक है, तीसरा जो हमारा प्रश्न है, बंदर ने बिल्ली को बुखार उतारने के लिए दवा क्या दवा दी। अब जब बिल्ली को 104 बुखार था तब उसकी उसका बुखार उतारने के लिए कौन सी दवा दी? बंदर ने बिल्ली को बुखार उतारने के लिए गिलोय का रस 3 बार पीने के लिए कहा। देखो, गिलोय का रस जो है वो उसे दिन में 3 बार पीने के लिए कहा। ठीक है, अब हमारा लास्ट यानी चौथा जो प्रश्न है, लोमड़ी ने बंदर से कौन सी बूटी मांगी। लोमड़ी को सबसे सुंदर दिखना था, इसीलिए लोमड़ी ने बंदर के पास कौन सी बूटी मांगी यानी दवा मांगी। लोमड़ी ने कहा, मुझे ऐसी बूटी दो जिससे मैं सबसे सुंदर दिखूं। देखो, उसने कैसे बूटी मांगी कि वो लगाते ही वो सबसे सुंदर दिखे, ऐसी बूटी लोमड़ी ने बंदर से मांगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छी हैंडराइटिंग में इसे आपके ट्यूशन बुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्न दूसरा। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों देखिए, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है, कथन के सामने, कथन यानी जो कहा गया है उसे कथन कहते हैं। ठीक है, कथन के सामने सही, दैट मीन्स ब्रैकेट में हमें टिक दिया है, फुट टिक मार्क, और गलत, दैट मीन्स फुट अ क्रॉस मार्क। ओके, गलत का चिन्ह लगा, चिन्ह का मतलब होता है मार्क। ओके, यानी जो सेंटेंस सही होगा उसके सामने हमें क्या करना है? टिक करना है यानी सही, और गलत होगा तो क्रॉस करना है, दैट मीन्स गलत। ओके, तो चलिए हम सेंटेंस पढ़ते हैं। कथन जो कहा गया है, बंदर के हाथ टूटा फूटा शीशा लगा। बंदर के हाथ शीशा लगा था, शीशा यानी कांच, नहीं, उसके हाथ में टूटा फूटा आला लगा था, है ना, स्टेथोस्कोप जिसे कहते हैं। दैट मीन्स ये आंसर क्या होगा? गलत। तो यहाँ पर हम चिन्ह यानी मार्क लगाएंगे क्रॉस का। नेक्स्ट, भालू को खांसी और जुकाम था। जी हाँ, भालू को खांसी और जुकाम था, है ना, और वही इलाज कराने के लिए वो डॉक्टर बंदर के पास आया था। तो ये सेंटेंस जो है वो राइट है, सही है, इसीलिए हम करेक्ट का साइन करेंगे। नेक्स्ट, बंदर जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लाता था।
जो जड़ी बूटे यानी जो दवाइयां थी वो बंदर जंगल से लाता था। जी हाँ, जंगल से लाता था, इसीलिए ये सेंटेंस भी क्या होगा, करेक्ट यानी सही होगा। तो सही के लिए हम ये चिन्ह लगाएंगे, ओके, राइट का। देन लोमड़ी डांस करना चाहती थी, चौथा जो सेंटेंस है, लोमड़ी डांस करना चाहती थी। बताओ बच्चों, क्या लोमड़ी डांस करना चाहती थी? नहीं, उसे तो शिकार पे जाना था, है ना। तो ये जो सेंटेंस है वो गलत, पर उसे डॉक्टर बंदर ने ऐसी दवा दी कि वो बिल्कुल अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएगी कि वो डांस भी कर सकेगी, इतनी एनर्जी उसके उसमें आएगी, है ना। बट लोमड़ी जो है वो शिकार करना चाहती थी, इसीलिए ये सेंटेंस गलत है ना। अब आपको ये क्वेश्चन भी आपके नोटबुक में लिखना है अच्छी हैंडराइटिंग में, ओके। वन बाय वन फिल अप, देन वन सेंटेंस, एक वाक्य में उत्तर। अब ये हमारा जो तीसरा प्रश्न है, सही गलत, ओके। और एक प्रश्न है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे भी हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो हमारा आखिरी सवाल है, आखिरी जो प्रश्न है इस लेसन का, वो है निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखो। वर्ण क्रम दैट मीन्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर, जो जैसे इंग्लिश में हम अल्फाबेटिकली जो वर्ड्स होते हैं उसे अरेंज करते हैं ना, ए टू जेड, यानी ए से स्टार्ट होने वाले पहले लिखेंगे, देन बी सी, इस तरह से हम पहले सीख चुके हैं इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बिल्कुल इसी तरह से अब ये हिंदी में हमें वर्ण क्रमानुसार लिखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, आपको 7, 8, 9, 10, बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड तक की पूछा जाता है, ओके। हिंदी में जो है हमेशा ये सवाल रहता है, तो आपको अभी से इसकी जो है प्रैक्टिस और जो मालूमात जिसे हम कहते हैं ना, वो होनी चाहिए। आपको ये सवाल बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व करने आना चाहिए, बिल्कुल इसे मार्क्स भी रहते हैं, ओके। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसे फाइंड करना है। वर्ण क्रमानुसार यानी वर्णमाला तो हम सब जानते हैं, है ना, हिंदी और मराठी में हमने पढ़ा है, अ आ ई से लेके पूरा ज्ञ तक, क ख ग घ छ ज झ, इसे वर्णमाला कहते हैं, ठीक है, थीके? ये हम सबको आते हैं। बट वर्णमाला सीखने के बाद हम जो बेसिक हमारा होता है उसमें क्या सीखते हैं, 12 खड़ी, है ना। 12 खड़ी में जैसे क का की कु के कई को कऊ कम कहा, टोटल 12 अक्षर होते हैं, है ना, जिसमें पहली विलांटी, फिर दूसरी विलांटी, पहला उकार, फिर दूसरा उकार, एक मात्रा, फिर दो मात्रा, इस तरह से हम लिखते हैं, और हम सबको वो आता है लिखने, ओके। वर्णमाला जो है हम सब जानते हैं, और 12 खड़ी भी हम सब जानते हैं। बिल्कुल अगर आपको वो अच्छी तरह से आता होगा तो ये आंसर जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं, दैट मीन्स शब्द दिए हैं, वर्ड का मतलब शब्द। अब जैसे हम पढ़ेंगे बंदर, शिकार, तुलसी, गिलोय, बुटिया, मौज, कुंदन, जड़, कुवार, आला, भालू और खासी, ये सारे जो शब्द है वो हमारे पोयम से रिलेटेड है ना। ये सारे शब्द है हमारे जो कविता है बंदर का धंधा, उसमें आए हैं। अब हम इसे वर्णमाला अनुसार अरेंज करेंगे यानी लगाएंगे, ओके। तो अगर आप देखोगे कि अ से तो यहाँ पे कोई भी शब्द नहीं है, बट आ से है ना, अ के बाद आता है आ, तो आ से आला, इसीलिए हम इसे सबसे पहले लिखेंगे आला, क्योंकि क्रम से हम लगा रहे हैं ना। फिर अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम अहा, ये जो सारे अक्षर हैं उनमें से यहाँ पे कोई भी शब्द हमें नहीं मिला है, ओके। फिर आता है क, यस, क से हमें दो शब्द है, एक है कुंदन और दूसरा है कुंवर, ठीक है। अब आप कहोगे कि कुंदन और कुंवर दोनों को पहला उकार है ना, दोनों भी पहला उकार है, तो कौन सा शब्द पहले आएगा दोनों में से? तो देखो कुंदन में अनुस्वार है यानी डॉट, सिंगल डॉट है, अनुस्वार, और कुंवर में चंद्रबिंदु है जो उसके बाद आता है ना। चंद्रबिंदु जो है, जो एक्स्ट्रा ये अक्षर है, वो हम एंडिंग में लिखते हैं, अ की मात्रा, ए की मात्रा, है ना। तो आला के बाद हम सेकेंड जो दूसरा जो शब्द है वो लिखेंगे कुंदन, और उसके बाद कुंवर, जो कि अनुस्वार पहले आता है, फिर चंद्रबिंदु आता है, ठीक है। अब क ख, यस, ख से भी हमें शब्द है खांसी, तो हम लिखेंगे खांसी। देन क ख ग, ग आता है, फिर ग से भी शब्द है गिलोय, है ना, गिलोय, वो लिखेंगे।
उसके बाद हम क्रम अनुसार लिखेंगे, वर्ण क्रमानुसार लिखेंगे। क ख ग घ च छ ज, छ से भी कोई शब्द नहीं है, छ से भी नहीं है, तो उसके बाद आता है ज, ये जड़ है। च छ ज झ ट ठ ड ढ ण, ट से भी कोई शब्द नहीं है, ठ ड ढ ण, फिर उसके बाद जो सीरीज वर्णमाला जो होता है वो है त की लाइन, त तलवार का। ओके, तो त से शब्द है तुलसी, त थ द ध न, फिर आता है प फ ब भ म। अगर आप देखोगे प से भी कोई शब्द नहीं है, फ से नहीं है, प फ ब, यस ब से है। अभी आप देखोगे ब से बंदर भी है और ब से बूटिया भी है। अब बंदर पहले आएगा है ना, ब से आता है इसीलिए हम पहले लिखेंगे, उसके बाद बूटिया। ओके, उसके बाद आएगा बूटिया। फिर प प ब हो गए, ब के बाद आता है भ, भ भालू का या भज्जी का, जी हाँ भ से भालू है, फिर हम लिखेंगे भालू। फिर उसके बाद प फ ब भ म, म आता है, म से शब्द है मज, और आखिर में जो शब्द बचा है शिकार, वो एंड में यानी आखिर में आएगा, जो श भी वर्णमाला में नीचे रहता है आखिर में रहता है, तो श से शिकार, श को पहले वन। ठीक है, बहुत ही इजी है, और जरूरी नहीं है कि आपको इतने सारे जो शब्द है वो ब्रैकेट में दिए जाएंगे एग्जाम के वक्त, परीक्षा के वक्त, ज्यादा नहीं होंगे, सात आठ शब्द भी हमें दे सकते हैं, बट हमें उसे कैसे अरेंज करना है वर्ण क्रमानुसार, यानी अल्फाबेटिकल जिसे हम कहते हैं बिल्कुल हिंदी में वर्ण क्रम, यानी क का की चीज से हमें लिखना है, उसमें भी हमें 12 खड़ी को फॉलो करना है, यानी उकार विलांती मात्रा इन सब पे ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो मैंने वर्ण क्रमानुसार सारे शब्द जो है वो लिखा कर दिए हैं, बिल्कुल आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। और यहाँ पर अब हमारी जो 5वीं कविता है बंदर का धंधा वो कंप्लीट होती है, पूरी होती है। ओके, तो पढ़ कर लिखी है, याद कर कर लिखी है, दैट मीन्स लर्न एंड राइट, बिकॉज आपको ओरल में ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है,